हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे शॉपिंग के लिए। आप लोग सोचेंगे कि कितनी शॉपिंग हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि प्लान क्या है। एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल सामान लेना है मेरा, और वीडियो पर्पज से भी मुझे कुछ सामान लेना है, मतलब जो कि पहले मैंने बाई किया था, मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन वहाँ से यहाँ शिफ्ट होते टाइम, मतलब गोवा से यहाँ शिफ्ट होते टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वहीं पे छोड़नी पड़ी, क्योंकि अगर हम उन्हें अपने साथ कैरी करते तो वो टूट सकती थी। उनमें से कुछ ग्लास के आइटम थे और कुछ मेरा जो मेकअप ब्रश होल्डर था, मैंने सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। सारे ब्रश होल्डर जितने भी मेरे पास थे, तीन ही थे, तो मैंने सारे वहीं पे छोड़ दिए। और मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो शूट किए हैं वो सारे ही वीडियोज़ मेरे ऐसे नॉर्मल होते थे, विदाउट मेकअप, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन मेकअप वीडियोस भी तो करने हैं, ऐसा तो है नहीं कि मुझे मेकअप वीडियोस नहीं करने हैं। और उसी के लिए मुझे मेकअप ब्रश होल्डर चाहिए था, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल पा रहा है। तो आज मैंने अपने सारे ब्रशेस क्लीन कर दिए हैं और उसी का मेकअप ब्रश होल्डर लेने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमने बाय करने के बारे में सोचा है। तो हम फिलहाल वहीं पर जा रहे थे, मैं बस रेडी हो रही थी। आप लोग सोचेंगे मेकअप क्यों कर रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो ही शूट कर रही थी, बट शॉपिंग पे जाने का जो हमारा प्लान है वो थोड़ा सा अचानक सा बना। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट कर शेयर करती हूँ और देखती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करती हूँ। पर्सनल चीज़ें तो मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, जो मेकअप पर्पज से है, जो मेरे वीडियोस पर्पज से होते हैं, वो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखते हैं कि कहाँ जाने का प्लान बनता है, क्योंकि दो जगह हमारी फिक्स है, एक 99 स्टोर और एक बिग बाज़ार। जो भी हम जहाँ भी हम जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे बिग बाज़ार से रिलेटेड आप लोगों के बहुत 99 स्टोर से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं किसी और ब्लॉग में उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो शॉपिंग मैंने की है वो तो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो सब किचन आइटम ही थे। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लिया है जो कि मैं दिखा सकूँ, बस किचन किचन किचन, जैसे कप और कटलरी और डाइनिंग सेट, यही सब कुछ था। तो वो सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ, यूज़ भी कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें तो नहीं। लेकिन फिलहाल आज मैं जो शॉपिंग करूँगी वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, शॉपिंग टाइम में ही शेयर कर दूँगी कि मैंने ये लिया है। तो बस मैं फ़िलहाल रेडी हूँ, नहीं स्वेटर पहनूँगी, ऐसा नहीं है बिना स्वेटर के नहीं जाना है। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग पे और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज क्या क्या लेने का प्लान है, या मैं क्या क्या बाय करती हूँ। वैसे आज हमने डिसाइड किया है कि आज हमें फाइनल शॉपिंग करनी है, बहुत हो गया है डेली शॉपिंग। तो चलिए ये देखिए, आज सारे ही मेकअप ब्रशेस को मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि मेकअप वीडियोस भी तो ज़रूरी हैं, उन्हें भी तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चलते हैं अब। एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डेली कराटे होता है, यहाँ पे नीचे डेली कराटे क्लास होती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बच्चे भी रहते हैं, सीखते हैं। चलें,
हाय गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं शॉपिंग से। और सच कहूँ तो शॉपिंग पे जाना पता नहीं क्यों अच्छा भी लगता है और नहीं भी अच्छा लगता है, क्योंकि जाने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वापस आने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टायर्ड सा और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है, जैसे पता नहीं क्यों मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ वापस आने के बाद मेरा सर ज़रूर दर्द करता है। थोड़ा सा अजीब कनेक्शन है बट मेरे साथ ये होता है कि वापस आने के बाद फिर ये शुरू हो जाता है। हाँ, वैसे शॉपिंग के बारे में आप लोग पूछेंगे तो बता देती हूँ कि पर्सनल सामान के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि मैंने पर्सनल सामान लिए हैं। उसके बाद दो मेकअप ब्रश के होल्डर लिए हैं मेकअप ब्रश रखने के लिए, बाकी कई सारे डोरमेट लिए हैं। आप लोग सोचेंगे कि डोरमेट मैट इतने सारे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बालकनी के गेट के सामने, फिर वॉशरूम के सामने, मतलब गेट के सामने बहुत सारे, पता नहीं कैसे कई सारे, आई थिंक 2, 4, 6, 8, 8 डोरमेट पूरे मिला के हमने लिए हैं, जिसमें से 4 हमने अभी लिए। और क्या लिया है, और पर्सनल सामान लिया है उसके बारे में पहले ही बता दिया था, बाकी वही नॉर्मल फुटवेयर और ये सब चीज़ें। ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि मैं हॉल में शेयर कर सकूं, ऐसे ही सब कुछ था। बाकी किचन का कुछ सामान था तो वो सब चीज़ें ली हैं, मतलब काफ़ी कुछ ले लिया है। और हॉल शेयर करने जैसा नहीं है लेकिन अगर पैसे से काउंट करें तो काफ़ी कुछ लिया है। और फिलहाल व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि वैलेंटाइन डे के लिए बहुत अच्छा, मतलब छोटा नहीं कहेंगे उसे लेकिन हाँ, ताजमहल की कॉपी बनाई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है उसे देख। मतलब वीडियो में मैं नहीं कह सकती हूँ कि एकदम सही दिख रहा है या नहीं, लेकिन रियल में बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम ओरिजिनल जैसा बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा था। और वैलेंटाइन डे था तो पूरा मॉल भी उसी हिसाब से डेकोरेट किया गया था। फिलहाल ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बता देती हूँ कि कुछ 99 स्टोर से हमने लिया है और कुछ मैक्स फैशन, हाँ मैक्स फैशन से मैंने मेरा सामान लिया है। मैंने पहले ही बताया है कि मुझे मैक्स फैशन और जॉकी दो के कपड़े जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सही लगते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी। मतलब आप किसी भी सीजन में पहनो जॉकी या मैक्स के कपड़े आपको पसंद ही आएंगे। फिलहाल यही था आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोग बोर ना हुए हों, आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे और भी व्लॉग देखने के लिए मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।